शांति। आज की तारीख है 8/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम सभी बच्चों को जो हम आज तक भटक रहे थे, हम सभी बच्चों का भटकना बंद किया और हमें ठिकाना दिया। तो ऐसे अपने ठिकाने पर पहुंचाने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। ये फिर से शब्द क्या कहता है कि ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि तुमने बाप के द्वारा रचता और रचना को जान लिया है। हाँ, सभी ने जान लिया है ना, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हाँ, यानी भगवान का परिचय हमें मिला, कम बात है क्या? भगवान स्वयं भी मिलते हैं, बातें करते हम बच्चों से। तो बाबा कहते हैं खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? हाँ, श्रृंगार अभी तो हम सभी वनवा में हैं, हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे विश्व का कल्याण करने वाले सेवाधारी हैं, तो सादगी हमारा सच्चा श्रृंगार है। तो फिर बाप दादा हम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हाँ, जब भी लड़की को ससुर घर भेजना होता है तो उसे क्या किया जाता है, उसकी शादी कराए, उसको सजा कर धजा कर और उसके ससुर घर भेजा जाता है। तो बाबा कहते हैं हमको भी सजा धजा कर बाबा विष्णुपुरी अर्थात हमें अपने ससुर घर में ले जाते हैं। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा और महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं और बाबा हमको टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर जाने के लिए। हाँ, हमारी पढ़ाई किस लिए है? पियर घर से ससुर घर जाने की। ऐसी पढ़ाई कहाँ देखी, ऐसा कहाँ स्कूल देखा, ऐसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी देखी? तो देखो, बाप हमारा वंडरफुल, हम आत्मा भी वंडरफुल, तो बाबा की पढ़ाई भी हम बच्चों को वंडरफुल पढ़ाई जाती है। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था। धारणा के लिए मुख्य दो बिंदु, नंबर एक बिंदु है सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर ख्याल करना है। क्या ख्याल करें, क्या संकल्प करें, क्या मनन करें, क्या चिंतन करें? तो बाबा बतलाते हैं कि उस समय सोचो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और अभी बाबा आए हैं हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वो बापों का बाप, हाँ, इसका बाप कौन ये, उसका कौन वो, उसका कौन वो, ऐसे करते 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 आखिर सभी का बाप कौन? वो परमपिता परमात्मा। तो वो बापों का बाप है, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। नंबर दो है, हरेक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है विघ्न प्रूफ, जिसको विघ्न भी असर न करे, ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करने वाले, जिसको माया का कोई भी विघ्न असर ना करे, ऐसी चमकीली, कौन सी ड्रेस? फरिश्ता ड्रेस।
चमकने वाली फरिश्ता ड्रेस, वो धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते हैं स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप के द्वारा सर्व शक्तियों का स्टॉक फुल करना। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई, क्वेश्चन मार्क को विदाई दे देने की और फुल स्टॉप के द्वारा सर्व शक्तियों का स्टॉक फुल करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, अर्थात अशरीरी स्थिति में रहना और मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, माना देह भान में नहीं रहना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। अच्छा स्लोगन है आज का, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपने पर पूरा अटेंशन देना माना मनसा वाचा कर्मणा, हम प्रभु की स्मृति में श्री मत के अनुरूप कदम उठाएं और वही कर्म करें जो बाप ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें तो बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।